तो और मेरे भाई लोग, क्या हाल चाल है यार। अब सच बताऊं तो बिजमाई की जो टीम है ना, जिसमें जो भी बंदा बैठ के ये सेट करता है कि नेक्स्ट शॉप में क्या आएगा भाई, वो बहुत दिमाग लगा रहे हैं। क्योंकि आज जिसने जिसने बिजमाई खोला होगा, उन सबको पता होगा कि एक ब्रांड न्यू बडी आ गया है गेम के अंदर, जो कि शेर है। ओ भाई साहब दिखने में तो काफी कूल लग रहे हैं, पता नहीं मुझे समझ भी नहीं आ रहा उसे निकालना चाहिए फिर नहीं, आप लोग मेरे को बता देना। वैसे ये जो बडी आया है, ये ऐसे ही नहीं आया है, असल में एक एक सूट आने वाला है नया, वो और ये जो आपका बडी है, ये एक ही समझ लो बंडल के पार्ट है। और इसी वजह से आपको पहले बडी दिया गया है, क्योंकि एक सूट अभी आया नहीं है, तो माहौल हॉल बनाया जा रहा है। और साथ ही साथ आपको AMR की एक अपग्रेडेबल स्किन भी देखने को मिल जाएगी, और ये सारा माल आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। लेकिन जो मेन वीडियो होने वाली है, वो होने वाली है गेम प्ले की। तो भाई आज का गेम एकदम चौकस है, आप देख सकते हो कि मेरे को सिर्फ एक भाई साहब मोजे नगेनेट मिली है, और उसी से मैं इस स्पॉट से लड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। और यकीन मानो सारे किल तुम्हारा भाई ले जाने वाला है। तो भाई आज की वीडियो में बहुत कुछ होने वाला है, इंटेंस एक्शन गेम प्ले, साथ में आने वाले फ्यूचर एक्स सूट और गन स्किन की लीक। तो भाई वीडियो ऑसम है, तो एक लाइक तो मैं भी डिजर्व करता हूँ ब्रो, तो फटाफट से लाइक कर लो, और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लो, क्योंकि तुम्हारा भाई इस नए एक सूट और साथ ही साथ AMR की अपग्रेडेबल स्किन की जो क्रेट ओपनिंग है वो करने वाला है, तो उसको मिस आउट मत करना, बड़ा मजा आएगा उसमें। वैसे अगर तुम लोगों को नहीं पता हो तो मेरा एक सेकंड चैनल है जो कि ऑलमोस्ट इग्नोर्ड रहता है, और मुझे पता है मैं से काफी सारे लोग उसे भूल गए होंगे। वो असल में एक नॉन BGMI टाइप का चैनल है, इसमें BGMI का कंटेंट नहीं, अरे BGMI क्वांटिटी का कंटेंट ही नहीं डालता हूँ मैं। लेकिन इधर मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ कि उधर कुछ वीडियोस गिराऊँ, मैं कुछ गेमिंग वीडियोस रहेंगी लेकिन फेस कैम के साथ रहने वाली है किसी डिफरेंट गेम की। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके वाले चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो, और जब इतना कर रहे हो तो इंस्टा भी फॉलो कर लेना, उसका भी लिंक इधर ही। मुझे पता है मैंने बहुत काम बता दिया है तुमको। तो अब बात करते हैं थोड़ा सा जो है गेम प्ले की, और फिर तुमको देता हूं मैं लिंक्स। तो देखो सीन कुछ ऐसा है कि चल रही है DP, अबे DP है कि M249, भैंस क्या गोली नहीं खत्म हो रही है। वेल मैं इधर चेक करने आया तो यहां पर तो लाशें गिरी पड़ी थी, और जो बंदा DP चला रहा था वो भी गिरा पड़ा था। अब यहां पर एक नॉक था तो दूसरे को मैंने धर लिया, और ये बंदा मेरे को ढूंढ रहा है कि मैं हूं कहां पर। अब ये अपने टीममेट को रिवाइव देने गया तो मैंने वहां डांसिंग ग्रेनेड डाल दिया, लेकिन ये इंटरेक्शन देखो भाई, मुझे ये नहीं पता था कि अगर कोई बंदा रिवाइव दे रहा है अपने टीममेट को, आप वहां पर डांसिंग ग्रेनेड डालो तो वो बंदा डांस नहीं करता। मुझे लगता था यार रिवाइव कैंसिल हो जाएगा और वो बंदा डांस करने लगेगा। भाई ये तो अजीब, बहुत ही वियर्ड इंटरेक्शन था। वेल मेरे 4 किल हो गए थे, लेकिन तुमको पता है 4 किल में किसका ही पेट भरता है, तो मैं निकला और बंदों को ठोकने के लिए। लेकिन भाई इधर तो मेरा ही पेटा बन गया, ये बंदा जैसे भाई मेरी ताक में बैठा हुआ था। भाई पहली बार हुआ है कि मैं इतनी जल्दी इलिमिनेट हुआ ऊपर वाले आइलैंड में। वेल कोई बात नहीं, मैं उतरा भी इतनी टट्टी जगह था कि ना वहां पर मेरे को लूट मिली ना ही गाड़ी। किसी तरीके से मैं अपने आप को ठेलता हुआ अपार्टमेंट्स तक ले आया, और तुमको पता है अपार्टमेंट मेरे दिल के कितना करीब है, यहाँ मेरे को हमेशा किल मिलते हैं और आज भी मिलेंगे। लेकिन मेरा प्लान अपार्टमेंट जाने का नहीं था, मैं जाना चाह रहा था पोटैटो हिल, क्योंकि तुमको पता है वहां पर शिप रुकती है, वहां पर शिप रुकेगी तो लूट मिलेगा, लूट रहेगी तो बंदे मिलेंगे, मतलब अपना पूरा जुगाड़, और जो बंदे आते हैं वो गाड़ी लेके आते हैं, तो मतलब मेरा पूरा मामला सेट हो जाएगा उधर ही। लेकिन मैं तो बातों बातों में भूल गया कि मैं तुमको कुछ लीक्स देने वाला था। तो चलो बात करते इस नए एक सूट की जो कि आने वाला है BGMI के अंदर। तो भाई तुम ये देख सकते हो कि हमारा ये है इग्नियस एक सूट, और भाई इसका बेसिक वर्जन काफी ज्यादा रॉयल पास टाइप का बेसिक वर्जन है। लेकिन हम सबको पता है कि एक सूट जो होता है वो पैसा खर्चा करवाने की एक टेक्निक है, तो जैसे जैसे आप अपग्रेड करते जाओगे आपको सबसे पहले ये अराइवल मिलेगा। और भाई क्या बैडास अराइवल है, भैंस की आंख शेर में बैठ के आ रहा बंदा, और क्या चाहिए भाई लाइफ में, मतलब कहते ही शेर को घोड़ा बना रखा है भाई इस गेम में। लेकिन जो भी दिखने में बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन चलो अब देखते हैं कि एडवांस फॉर्म में ये जो एक सूट है ये कैसा दिखता है। अब एडवांस फॉर्म में ज्यादा चेंजेस नहीं, बस वो जो शेर आपको लेके आया था वो आपके ऊपर चढ़ के बैठ गया वेताल की तरह, दिखने में कूल लग रहा है मैं सच बोलूंगा, लेकिन एक्सूट वाली अभी भी वाइब नहीं आ रही है। वेल एक्सूट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है किल इफेक्ट, और आप यहाँ पर देख सकते हो भाई विक्ट्री ब्रॉडकास्ट जो है हमारा वो काफी सेक्सी है भाई, ये मेरे को पसंद आया है। एक्सूट अपग्रेड करना पड़ेगा यार, लेकिन जो ब्रेड एंड बटर है ना इस
एक्सूट का वो है भाई इंट्री मोड। ओ हो क्या हातिम की तरह तलवार निकालता है भाई ये बंदा, और पीछे जो शेर चीख रहा है आई थिंक शेर चीखता नहीं दहाड़ता है। वेल जो भी हो भाई दिखने में ऑसम है और भाई बैडास लग रहा है चाहे जो भी कहो भाई। मालूम है कि अपनी औकात से थोड़ा बाहर हो रहा है लेकिन अच्छा तो है। Well, आपको एक एक्सक्लूसिव इमोट भी देखने को मिलेगा। मेरे को समझ भी नहीं आ रहा इतनी इमोट क्यों पेल दिए भाई, मैं तो खुद कंफ्यूज हो गया हूँ कि क्या करता है। लेकिन जरा शेर को देखो यार, कुत्ता जैसे अपने मुंह में लकड़ी लेके नहीं आता भाई, तलवार लेके आ रहा लौट भाई। कहता ही मैं बता रहा हूँ इस एक्सूट में सिर्फ एक ही चीज़ है जिसकी बेइज्जती हुई है, वो है शेर भाई। पालतू बना रखा भाई शेर को, व्हाट द हेल। लेकिन भाई ये स्लैशेस देखो भाई, को देख तलवार चला रहे हो तो शेर आगे पंजे मार रहा भाई, किसने दिमाग लगाया भाई। जो डिजाइनर है उसकी तनख्वाह बढ़नी चाहिए भाई, यकीन मानो। वेल फाइनल फॉर्म की बात करें तो फाइनल फॉर्म दिखने में काफी अच्छा है, सच बोलो यार। तो मेरे को इस टाइप की चीज़ उतनी पसंद नहीं है। देखो अगर मेरा किसी चीज़ में इतना ज़्यादा पैसा जा रहा है ना तो मैं कुछ फैंटेसी टाइप की चीज़ें इमेजिन करता हूँ। ये कुछ ज़्यादा ही रियलिस्टिक ऐसा लग रहा है, किसी राजा का शेरवानी पहन रखा है इसने, तो मेरे को उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा है टू बी ऑनेस्ट। बट है तो एक सूट, बुराई नहीं कर सकते इसकी। वेल उसके अलावा आपको टैग और ब्रॉडकास्ट भी मिलेगा, बट वी डोंट गिव अ शिट, तो क्या ही करेंगे उसको देख के आगे चलते हैं। तो भाई ये है हमारा रेडियंट फॉर्म, जिसमें आपको सबसे पहले तो एक पेगासस का ग्लाइडर मिल जाएगा। अब मुझे नहीं पता इस घोड़े का क्या नाम है, बट मैं इसको पेगासस नाम से बुलाऊंगा भाई। दिखने में तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है, सफ़ेद सफ़ेद घोड़ा। अब साथ में आपको यहाँ पर ऑर्बिटर और समन भी मिल जाएगा, तो आप देख लो कैसे दिखते हैं। अब मुझे पता है कि एमआर की स्किन में आपको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा, बाय द वे कुछ वो ऐसी देखेगी अपने फाइनल फॉर्म में। आपको इंटरेस्ट है तो मैं इसके ऊपर ऑल डिटेल वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी चलते हैं गेम प्ले पे। तो भूल गए क्या, मैं अभी भी दौड़ ही रहा हूँ पता है, अपार्टमेंट पहुंच ही नहीं पाया हूँ। अब देखो अपार्टमेंट आया तो एक बॉट आया, बॉट के सामने बंदा आया, मैंने बॉट को इग्नोर करा, बंदे को डैमेज करा, फिर बॉट को फिनिश कर दिया। अब देखो बात कुछ ऐसी है ना कि मैं गेहूं फंस, मैंने फालतू के लफड़े ले लिए हैं, अब मैं पोटैटो हिल तो जा नहीं पाऊंगा, तो मुझे कुछ भी करके यहाँ पर किल निकालने पड़ेंगे भाई। ये नॉक कैसे मिला मेरे को भाई, पार्थ भाई क्या कर रहे हो तुम। वैसे अगर तुमको नहीं पता तो स्कूबी, तुमको याद है एक बंदा हुआ करता था उसका असली नाम पार्थ था पता है, पूरा नाम नहीं बताऊंगा। वेल देखो अब प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास एकेएम है और उस पर कोई भी स्कोप नहीं है, स्कोप तो छोड़ो रेड डॉट भी नहीं उधर, तो मेरे को आयरन साइड से किल निकालने भाई। तो मैं कंफ्यूज हूँ कि साला मैं करूँ क्या, क्या मैं ये अपार्टमेंट वाले से फाइट लूँ या फिर पीछे भाग के चले जाऊँ, शिप पे चढ़ जाऊँ। लेकिन फिर मेरे को एक बंदा दिखाई दिया, जिसको भाई मैंने नॉक फिनिश दोनों कर दिया भाई। शुभम भाई जो नाक कटाई ना तुमने, मैं तुम कुछ नहीं बोलूंगा भाई। अब देखो मैं जानता था कि मैं पुश नहीं कर सकता वहां पर, पैदल पुश करूंगा तो भाई बीबी क्लैन वाले मेरे को भर डालेंगे, उनके दो बंदे मारे हैं मैंने। वैसे बीबी क्लैन से मेरे को बंदूकबाजी क्लैन क्यों याद आ रही है, वैसे क्लैन तो मेरा भी है। और भाई छोड़ो भाई, अब देखो हुआ क्या कि मैं जानता था कि मैं उधर पुश नहीं कर सकता हूँ बिना गाड़ी के, तो गाड़ी लेने के लिए मैं आया पोटैटो हिल पे, क्योंकि जो शिप था यहाँ से जा चुका था। अब बहुत हाई चांसेस रहते हैं कि जो बंदे शिप पे चढ़ने आए होंगे उन्होंने अपनी गाड़ी वापस नहीं ली होगी, तो मेरे को हो सकता है एक आध गाड़ी पड़ी मिल जाए, और क्योंकि मैं अकेला हूं तो मेरे को कुछ भी मिल जाए चलेगा ही साइकिल छोड़ के। अब वो बोलते हैं ना कि कम की आशा रखो तो ज्यादा ही मिलता है, मैं तो गाड़ी लेने आया था, मेरे को बंदे और लूट दोनों मिल गई। ओए होए। अब देखो अपार्टमेंट वालों को मैंने सिर्फ एकेएम से मारा था, ठीक है, अभी तो मेरे पास लूट भी है तो वो तो बचने वाले नहीं है। तो मैंने करी अपनी गाड़ी स्टार्ट और सीधा गया अपार्टमेंट के डायरेक्शन में, क्योंकि मेरे को पता था कि वहाँ बीबी क्लैन वाले मेरा इंतजार कर रहे हैं भाई, शुभम भाई का बदला लेंगे वो फारोफ से, और फारोफ भाई ये चाहते भी है तभी तो किल्स मिलेंगे मेरे को। अब एंट्री तो हमारी कहती खराब थी क्योंकि हमारी गाड़ी स्किड मारी और सामने बॉट आ गया, और बॉट जैसे ही आता है ना गेम प्ले में भाई वीडियो की भज्जी मर जाती, पता मतलब क्या ही बताऊँ मैं यार, बॉट दिखते ऐसा लगता है साला जैसे मैं गोल्ड लॉबी में खेल रहा हूँ, बट
ऐसा नहीं है दोस्तों, मेरा यकीन मानो मैं गोल्ड लॉबी में नहीं खेल रहा। अब यहाँ पर मैं सोच रहा था कि मैं सीधे अपार्टमेंट की छत पे चला जाऊँ, बट मेरा प्लान हो गया कैंसिल। और जो बंदा यहाँ पर था ना, ओए होए होए, आई थिंक पार्थ था यहाँ पर, वो रेडी बैठा था मेरे लिए भाई। अब मेरे को भागना पड़ा क्योंकि मेरी हेल्थ बहुत लो थी और वो बंदा बाइजन चला रहा था। बाइजन का डैमेज इकट्ठा पड़ता है, बट मेरे को क्या पता था कि ये बंदा मेरी तरह टिप्स एंड ट्रिक्स लगाने लगेगा। भाई खिड़की से कूद के आ गया राजा, वो अलग बात है कि हक दिया और नीचे गिर गया। अब मुझे पता था ये पुश करेगा तो मैं रेडी था एक ऑफ एंगल पे। भाई जैसे आया वैसे गया, बोले तो यूएमपी सुप्रीमेसी। अब इसको खत्म करने के बाद मेरे को तगड़ी लूट मिल गई थी, लेकिन स्कूल में चल रहा था लफड़ा, और जहां लफड़ा चलेगा वहां फारो भाई तो पहुंचेंगे क्योंकि उधर से ही किल मिलते हैं। अब चलो मैं तुमको पूरा सीन समझाता हूँ। हुआ ये कि स्कूल में एक स्क्वाड थी, उनकी लड़ाई हुई रोजॉक हिल वालों से। रोजॉक हिल वालों ने पुश करा और उसी टाइम मैंने भी पुश करा, तो मैंने इनको भी मारा, रोजॉक हिल वालों को भी मारा। बोले तो नो पार्शियलिटी। अब देखो इस पॉइंट पे कौन किसकी टीम में है, कौन किधर है, मेरे को नहीं पता। मेरे को बस इतना पता है कि जो रोजॉक हिल है वो खाली है, वो मैं जाके ले सकता हूँ, क्योंकि स्कूल में घुसने की हिम्मत मेरे अंदर नहीं हो रही अभी। भाई उधर पता नहीं कितने बंदे हैं भाई, कोने कतरे में बैठे होंगे, मेरी पेटी बना देंगे और मेरे को नहीं मरना। अब देखो मुझे पता है तुम मेरे को कैंपर बोलोगे, लेकिन भाई सिचुएशन में करूं क्या, वो लड़ भी ओपन में ही रहे तो बाहर निकलेंगे तो मैं उनको मारूंगा, जैसे कि इसको मारा भाई, इजी किल। अब एक बात की तो फुल गारंटी थी कि स्कूल के अंदर अभी भी बंदे हैं, प्रोबेबली एक पूरा स्क्वाड अंदर छुप के बैठा हुआ है स्विमिंग पूल वाली बिल्डिंग में। तो मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं अंधा पुश कर देता या फिर एंगल एंगल बनाता। तो मैं एंगल बनाने के लिए गया रोजॉक हिल पे, बट भाई वहां तो दूसरी स्क्वाड मेरा वेट कर रही थी। क्या गुलाब जामुन में इनको भी अपना हिस्सा चाहिए। अब ये अपना पूरा काम धंधा छोड़ के मेरे ऊपर फायर कर रहे, और मेरे पास भी एस्टन मार्टिन थी, उनके हाथ थोड़ी ना आने वाला था। मैं हराम को रावे भी फायर कर रहे भाई, फ्री गोलियां लेके आए हैं सब। अब देखो अगर तुमको लग रहा हो कि ये बंदे ठंडे हैं तो अब देखो मेरे को आदत हो गई है कि बंदे मेरे ऊपर पुश नहीं करते, क्योंकि कोई ऐसा करता नहीं है, हर कोई मेरे तरह गेम प्ले बनाने थोड़ा ना आता इधर। लेकिन इन्होंने किया और भाई दो धारी किया। अब ये बंदा एंगल बना रहा था, मैं समझ गया ये घेर रहे, तो मैं भाई पहाड़ी डाक के दूसरी तरफ चला गया और फाइट आइसोलेट कर दी। वन ही वन में दोनों को हराया। अब इनका जो बंदा ज्यादा दिमाग लगा रहा था अब उसकी बारी थी। चलो बेटा चटको, तुम बहुत तेजी से चटको, जोन आ गया, मैं नहीं रुकने वाला इधर। अब मैंने फटाफट से इनको लूटा, लेकिन तुमको याद होगा कि स्कूल में एक स्क्वाड बच रही थी, उनका एक बंदा ओपन में लूट रहा था। अरे चंपू भाई, नाम लिखने में तो खूब टाइम लिया भाई ने, लेकिन खुले में लूटने में एक स्मोक डालने उसका टाइम नहीं था इनके पास। अब ये वो बंदा तो नहीं था जिसको मैंने नॉक करा था, तो डेफिनेटली उसको रिवाइव मिल गया, लेकिन नहीं वो जोन से फिनिश हो गया। अब इसका समझ रहे हो मतलब, ये दोनों हुए थे नॉक, तो स्कूल में अभी भी बंदे हैं और ये बात मेरे को पता थी। बट तुमको पता है तुम्हारा भाई जोन के बाहर फाइट्स नहीं लेता, तो मैं गाड़ी घुमा के जोन के अंदर गया। मुझे पता था ये कभी ना कभी तो बाहर निकलेगा, जब निकलेगा तब मैं इसको लॉबी पहुंचाऊंगा।
अरे भाई अलादीन के छोटे चच्चा, कहाँ जा रहे थे कालीन से तुम? वेल उनको तो हमने वहीं धल लिया और भाईजान फिनिश भी हो गए, लेकिन फिर भाई जोन बना शेल्टर का और तुम्हारे भाई का कलेजे में जो सांप लोटा है ना पूछो मत भाई। मेरे को इस जगह से जोन से इतनी नफरत है ना पूछो मत भाई। बंदे घुस जाते हैं अंदर गुफा के पता है और निकलते ही नहीं है भाई। मतलब केस तो जाते ही जाते चिकन में निकल जाता है, हील बैटल अलग करते हैं। वेल कोई बात नहीं, मेरे को तो जो दिखेगा मैं उसको ठोकूंगा ही ठोकूंगा। अब मैंने एक नॉग निकाला था तो मैं बैठ के वेट नहीं करा, मैंने पुश कर दिया बिकॉज मेरे को पता था ये जो सामने वाले दो टनल्स है ना इन पे सबसे ज्यादा बंदे आते हैं। छोरा हील लगा रहा था नॉक हो गया। अब ये दोनों नॉक हुए थे तो इनका तीसरा बंदा कहाँ घुसा है मेरे को नहीं पता है, बट मेरे को इतना पता है कि ओपन में बंदे हैं। अब मैंने एक नॉक निकाला और मेरे को पता नहीं अलग ही एंगल से पड़ी तो मैं भाग के पीछे आ गया, मैंने हील लगाया। अब मैं एक बात बहुत ही क्लियरली जानता था कि देखो फारूक भाई अगर किल्स चाहिए तो तुमको घुसना पड़ेगा क्योंकि ज्यादातर बंदे यहीं पर ही हैं, और अगर जोन के लिए गए तो चिकन तो निकल आएगा लेकिन किल्स नहीं मिलेंगे क्योंकि ज्यादातर बंदे मैंने बताया यहीं पर ही हैं, वो आपस में लड़ भिड़ के मर जाएंगे। तो मैंने एक रिस्क लिया, मैं सोच रहा था कि देखो कुल मिलाकर 7 बंदे बच रहे हैं, 4 बंदे कंपाउंड में, बाकी इक्का दुक्का एक ही होंगे, एक काम करता हूँ जोन आने से पहले इनको फिनिश कर देता हूँ। बट भाई सामने वाले निब्बे थोड़ी रहे यार, उनको भी पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। अब यहाँ पर भाई मेरे को जानते हो किस चीज़ की कमी थी? AWM की। अगर AWM होती ना, ये जो बाउंड्री के पीछे छुप के चला रहा है ना M4, मैं बता रहा हूँ मैं इसकी चड्डियाँ फाड़ देता। लेकिन कोई बात नहीं, M4 से भी हम काम चला ही लेंगे। एंगल बना रहा है। अब देखो जोन आ चुका था और आई एम फॉग्ड, समझे? मेरे पास अब ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे, मेरे को कुछ भी करके भाई इनको खत्म करना था। अब तुम्हारा भाई जानता था कि बचना मुश्किल है लेकिन इनको फोड़ के जाऊंगा, तो ये पूरी स्क्वाड मैंने निपटा दी। उसके बाद फिर मैंने भाई कोशिश करी बट जोन भाई हपक के डैमेज दे रहा था, कुछ नहीं कर पाया मैं भाई। सैड लाइफ।